प्रकृति स्वागत है आपका। और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर बागियों पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की। बागी नेताओं पर अनुशासन का चाबुक चला, 39 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे नेता, 6 साल के लिए निष्कासित हुए 39 नेता। पार्टी से बाहर किए गए नेताओं में 4 पूर्व विधायक भी हैं, जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी से फिलहाल निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए, क्योंकि ऐसे कई नेता जो कि टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी। कुछ ऐसे नेता जो कि निर्दलीय भी मैदान में उतर चुके थे, अब ऐसे नेताओं पर पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की और 6 साल के लिए इन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो पहले मनाया गया था इन नेताओं को और नहीं मानने पर यह भी संकेत दिए गए थे कि कार्रवाई यहां पर हो सकती है, अनुशासन पर रहने की बात भी कही गई थी। बावजूद इसके ये आक्रोश, ये गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद अब यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की, इन नेताओं पर कार्रवाई करते हुए निष्कासित कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शब्बीर, यहां पर पहले मनाया, माने नहीं तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप बिल्कुल संभव, आपने सही कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे थे कि तमाम जितने भी बागी हों उनको बिठाया जाए, लेकिन कल की बात की जाए तो नाम वापसी का आखिरी दिन था, लेकिन उसके बावजूद भी कई नेता थे जो पार्टी से बगावत करके चुनावी मैदान में थे, अब उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उसके अंदर 39 नेता है जो अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर निर्दलीय टाल ठोक रहे, जिसके अंदर 4 पूर्व विधायक भी शामिल है। लेकिन इनमें से बात की जाए संभव तो कई नेताओं ने पहले ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जिसके अंदर जो पार्टी में बने हुए थे और चुनाव लड़ रहे थे या फिर पार्टी के जो बागी नेता हैं उनके साथ नजर आ रहे थे, उसी के बाद ये कह सकते हैं संभव कि अनुशासन का चाबुक चला है कांग्रेस की तरफ से और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है बागियों की। 39 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है, लेकिन इन सबके बीच अब कांग्रेस की तरफ से आज भी रणदीप सुरजेवाला कमलनाथ की तरफ से कहा गया था हम बागियों को लगातार बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद से कमलनाथ और तमाम जितने नेता मनाने की कोशिश कर रहे थे, साफ इन बागी नेताओं की तरफ से मना कर दिया गया, तभी इन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता संभव। लेकिन शब्बीर, इस चीज को थोड़ा समझना होगा कि भले यहाँ पर कार्रवाई हुई है, पहले भी मनाया गया था, अब पार्टी से सीधे बाहर कर दिया गया, तो ऐसे में ये मुसीबत कांग्रेस पार्टी की ही बढ़ा सकते हैं ये नेता। देखिए, पार्टी की मुसीबत तो ये तमाम नेता जितने भी हैं संभव वो पहले से ही बढ़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने चुनावी ताल ठोक रखी है पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ। पार्टी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे थे, कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से नाम वापसी कर ले। एक एक नेताओं से, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला से ने बातचीत करी, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर प्रत्याशी मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कई जगहों पर माने। पार्टी से जो फॉर्म डाले गए थे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उसको वापस लिया गया, लेकिन कई नेताओं की तरफ से जो आपका सवाल था कि पार्टी की ये मुश्किलें बढ़ाएंगे, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। पार्टी जो कांग्रेस के मूल वोटर है उसको वो काटते हुए नजर आएंगे और इसका खामियाजा हमने देखा था 2018 में भी, कई सीटों पर कांग्रेस को उठाना पड़ा था और लग रहा है कि इस बार भी बागी कांग्रेस को परेशान करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक चीज और है कि कई नेता पहले से ही पार्टी से बाहर थे, क्योंकि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा पहले ही दे रखा था, लेकिन इन सबके बीच पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई है बड़ी। तो एक तरफ यहाँ पर हालांकि ये स्टैंड कांग्रेस पार्टी ने उठाया, चूंकि ये बीजेपी भी कह रही थी कि अगर जो लोग मान जाए तो ठीक है और नहीं माने तो उन पर कार्रवाई होगी। बीजेपी ने ये बात भी अपने नेताओं के लिए, बागी नेताओं के लिए कही थी, तो क्या लगता है कि बीजेपी की ओर से भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? संभव बात की जाए बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी तो अनुशासनात्मक पार्टी मानी जाती है और इस तरीके के अगर वहां पर कोई भी नेता अगर पार्टी के खिलाफ जाता हुआ नजर आता है तो हमने देखा है कि नगर निगम के चुनाव हो या फिर दूसरे चुनाव हो, उसमें वो पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाती है और इस बार भी हम देखेंगे। अभी तक के बीजेपी के अंदर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि बैठ जाए, भले से नाम वापसी का समय सीमा खत्म हो गया, 1-2 दिन के अंदर देखेंगे हम कि बीजेपी की तरफ से भी इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये पहली बार हो रहा है
कि जब बीजेपी से पहले ही अनुशासन का डंडा कांग्रेस के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है और इन नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया। अभी बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी एक एक नेता से बाकायदा बातचीत कर रही है, कोशिश कर रही है कि पार्टी के समर्थन में। ठीक है, पार्टी का शब्बीर बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।